इकोनॉमिक्स में अभी तक हमने पढ़ा है सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन। हमने पढ़ा इन्फ्लेशन क्या होता है और इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन डेफिनेशन पढ़ी, और हमने आपको पढ़ाया इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल कौन करता है। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है आरबीआई। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल करता उसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी, और जो आरबीआई कंट्रोल करता उसको बोलते हैं मॉनिटरी पॉलिसी। ठीक है, तो हमने अभी तक इसमें सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इन्फ्लेशन पॉलिसी कंट्रोल करने की फिस्कल पॉलिसी हमने पढ़ा दिया आपको, जिसमें काफी सारा हमने कुछ पढ़ा दिया क्या होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की पॉलिसी। अब आज हम पढ़ेंगे आरबीआई आखिर इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करता है। सबसे पहले तो आप एक बात याद रखो कि आरबीआई ने मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी बना रखी है। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, ये जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी है प्यारे बच्चों, इस मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के 6 मेंबर्स होते हैं। कितने मेंबर होते हैं? 6 मेंबर्स। कभी आ सकता पेपर में? अब ये जो 6 मेंबर होते हैं, इनमें 3 मेंबर ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट के होते हैं, और इनमें 3 मेंबर ऐसे होते हैं जो आरबीआई के होते हैं। ठीक है, यहां तक? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी बना रखी है जिसके 6 मेंबर होते हैं, और उन 6 में से 3 होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और 3 होते हैं आरबीआई के। अब उसके बाद हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या क्या बातें याद रखनी है। देखो, सबसे पहले तो ये कि द पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन इज नोन एज, क्या बोलते हैं उसको, मॉनिटरी पॉलिसी। अब ये जो मॉनिटरी पॉलिसी है, इसके लिए हमें कुछ एक बेसिक्स भी पढ़ने हैं। अब क्या क्या बेसिक पढ़ने हैं वो, सबसे पहले इसकी 2 किस्म की पॉलिसीज होती हैं। मॉनिटरी पॉलिसी 2 किस्म की होती है, एक को बोलते क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, क्या बोलते क्वांटिटेटिव नंबर्स में, एक को बोलते क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। एक होते क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और दूसरे होते क्वालिटेटिव। अब पेपर में कभी कभार यह भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में आता क्या क्या है, सिर्फ नाम देखो। अभी नोट्स नहीं ओपन करने हैं, अगर आप अभी नोट्स ओपन करोगे तो आपका जहन दोनों तरफ जाएगा, आपको एक भी समझ नहीं आएगा। अभी खाली सुनो, यही तो आपके पास लिखा हुआ है सारा, जो ऐड होगा वो मैं ऐड कराऊंगा। सबसे पहले आपको पढ़ना है बैंक रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, कैश रिजर्व रेशो क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो क्या होता है, और ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है। और फिर हम पढ़ेंगे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में मार्जिनल रिक्वायरमेंट, फिर पढ़ेंगे रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, फिर पढ़ेंगे कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, फिर पढ़ेंगे मॉरल प्रेशर या सुसेन, फिर पढ़ेंगे डायरेक्ट एक्शन। ठीक है, यहां तक? अब थोड़ा थोड़ा मैं आपके दिमाग में आइडिया डालने के लिए इन चीजों को जरा थोड़ा सा आईडिया डालता हूं, ताकि आपको पता चले कि हम पढ़ने क्या वाले। देखो, बैंक रेट क्या होता है, जब कभी देखो आपको ये पता है कि सारी की सारी बैंकों को रेगुलेट करती है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जिस तरह हमारे घर में आपके पास पैसा खत्म होता तो आप कहां जाते, पापा के पास। मेरे पास पैसे खत्म होते मैं कहां जाऊंगा, यानी कि हम सब लोग अपने फादर साहब से पैसे लेते। उसी तरीके से जब बैंकों को पैसे खत्म होते तो बैंक जाते बैंकों के पापा के पास, यानी कि आरबीआई के पास, और बोलती आरबीआई आरबीआई मेहरबानी करके हमें जरा पैसा दे दो, हमें लोगों को पैसा देना है। तो जब बैंक आरबीआई से पैसा लेती है 90 दिन या उससे ज्यादा टाइम के लिए, उसको बोलते हैं बैंक रेट। अभी डेफिनेशन है आगे, मैं सिर्फ आपको हल्का सा आइडिया बता रहा हूं। जब बैंक आरबीआई से पैसा लेते हैं 90 दिन या उससे ज्यादा टाइम के लिए, उसको बोलते हैं बैंक रेट। और जब बैंक आरबीआई से पैसा लेते 2 दिन से लेके 89 डेज तक, 90 से कम, तब उसको बोलते रेपो रेट। और अगर बैंक आरबीआई से पैसा ले 1 दिन के लिए ओवर द नाइट,
उसको बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। पता चला कि नहीं? एक बार फिर से, अगर बैंक आरबीआई से 90 दिन के लिए या उससे ज्यादा टाइम के लिए लोन ले उसको बोलते हैं बैंक रेट। अगर बैंक आरबीआई से 2 दिन से लेके 89 डेज तक ले उसको बोलते रेपो रेट, और अगर एक रात के लिए लें तो उसको बोलते ओवरनाइट लोन या मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब रिवर्स रेपो रेट भी क्या होता है, अभी मैं यहां पे एक एक टर्म से ये ऐसे कुछ लिखा है, इसको रहने दो, अभी मैं थोड़ी देर के लिए समझाता हूं। अभी एक बार चलो पढ़ते हैं। देखो अब हम एक एक करके जो जो चीजें ऊपर लिखी है वही मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, गौर से सुनते जाना। ये है आरबीआई, ठीक है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, और ये हमारा कोई बैंक है छोटा मोटा बैंक। जब इस बैंक के पास आ गया कोई बंदा और इस बंदे ने लेना है बैंक से 1 करोड़ रुपए का लोन, अब बैंक के पास तो 1 करोड़ रुपए है नहीं, बैंक बोलेगी कागज भरो अगले हफ्ते लोन ले जाओ। बैंक किसके पास जाएगी? आरबीआई के पास, और आरबीआई को बोलेगी आरबीआई आरबीआई हमें लोन दीजिए, हमें किसी बंदे को लोन देना और हम आपको लोन 100 दिन के बाद, 200 दिन के बाद, 300 दिन के बाद, 90 दिन के बाद देंगे। तो तब आरबीआई बोलेगा अरे कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ मुझसे लोन ले जाओ, अपने बंधु को लोन दो, मगर मुझे कुछ इंटरेस्ट तो मिलना चाहिए। जब आरबीआई बैंक को कुछ पैसा देगी इंटरेस्ट पे तो बैंक को तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब उस इंटरेस्ट को बोलते हैं बैंक रेट। क्या बोलते हैं? बैंक रेट। पता चला कि नहीं? एक बार फिर से देखो, आप जाओगे बैंक के पास लोन लेने के लिए, आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया, 1 लाख रुपीज, तो आपको जब रीपे करना होगा इंस्टॉलमेंट में तो 1 लाख थोड़ी करना होगा, आपको मान लो करना 1 लाख और 20 हजार। ये जो 20 हजार है ये इंटरेस्ट आपने किसको दिया? बैंक को। इसको दिया बैंक को। अब बैंक पैसा कहां से लाएगा? बैंक पैसा लाएगा आरबीआई से। तो जब बैंक आरबीआई से लोन लेगा तो बैंक भी तो आरबीआई को इंटरेस्ट देगा, तब जो इंटरेस्ट बैंक आरबीआई को देगा उस इंटरेस्ट को बोलते हैं बैंक रेट। क्या बोलते? बैंक रेट। एक बार पढ़ के सुनाता मैं, द रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म लोन टू ऑल कमर्शियल बैंक दैट इज अ लोन फॉर मोर देन 90 डेज। अब एक टर्म आ गई यहां पे, ई कमर्शियल बैंक का होता। कुछ दिनों के बाद हम हिस्ट्री ऑफ बैंक पढ़ेंगे, बैंक ऑफ हिंदुस्तान पढ़ेंगे, बैंक ऑफ बॉम्बे पढ़ेंगे, बैंक ऑफ कोलकाता पढ़ेंगे, बैंक ऑफ मद्रास पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे ये सारे बैंक मर्ज हुए और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बन गया 1921 में, फिर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आजादी के बाद बन गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हिंदुस्तान और पाकिस्तान का कंबाइन बैंक हुआ करता था, फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अलग हो गया, स्टेट बैंक ऑफ हिंदुस्तान अलग हो गया। पढ़ेंगे बैंकों की कहानी डिटेल में, बैंक क्या होता है सारी चीजें। बट जब बैंक आरबीआई से पैसा लेती 90 दिन के ज्यादा टाइम के लिए उसको बोलते बैंक रेट। इट डेफिनेशन ही पेपर में आती है। क्या? द रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म लोन टू ऑल द कमर्शियल बैंक दैट इज लोन फॉर मोर देन 90 डेज इज नोन एज बैंक रेट। क्या बोलते हैं इसको? बैंक रेट। अब देखो यहां लिखा करंट बैंक रेट, प्यारे बच्चों ये भी हर हर 2 महीने के बाद बदलता रहता है। यहां पे लिखा 6.75, ये 2 महीने पहले था, अब अप डाउन होता रहता है। अभी आप यहां कुछ मत लिखिए, जब आपका पेपर होगा तब आपको क्या करना है, गूगल पे लिखना करंट बैंक रेट, तो जो करंट बैंक रेट होगा वो यहां पे लिखना है, ठीक है? बैंक रेट समझ आ गया, चलें आगे। अब चलते हैं आगे, दूसरे नंबर पे एक डेफिनेशन लिखी रेपो रेट, जो अभी ऊपर चीजें लिखी वही मैं समझा रहा आपको। रेपो रेट का होता है, रेपो रेट The rate at which RBI provides short term loan to all commercial bank, यानी के कम 90 दिन से कम टाइम के लिए जब RBI बैंकों को लोन देता तो उसको बोलते रेपो रेट। क्या बोलते? रेपो रेट। ये रेपो रेट इंडिया में 1992 में इंट्रोड्यूस हुआ था, याद है ना, LPG रिफॉर्म पढ़ाए थे मैंने। अब आप बोलोगे पढ़ाई नहीं, YouTube में पंचायत अकाउंट स्टैंड के लिए फ्री पढ़ाया हुआ है, रोल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वहां LPG रिफॉर्म पढ़ाया। अब ये जो रेपो रेट है, करंट रेपो रेट, ये भी 2 महीने के बाद चेंज होता है, तो ये टर्म फिक्स मत रखिएगा, ये वेरी करती है, इसलिए मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है यहां तक। और रेपो का मतलब भी होता है रीपरचेज, रीपरचेज का ऑप्शन, रेपो का मतलब होता है रीपरचेज, ठीक है, यानी कि हम आरबीआई से कोई चीज दोबारा गिनते हैं। अब एक बात आपको याद रखनी है, देखो अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा बैंक रेट, ये क्या है? बैंक रेट। और ये क्या पढ़ा? रेपो रेट। आपको एक बात याद रखनी है, चाहे कुछ भी हो, बैंक रेट हमेशा बड़ा होता है किससे? रेपो रेट से। बस ये बात याद रख, बैंक रेट इज ऑलवेज ग्रेटर देन रेपो रेट,
ठीक है ना, यानी कि रेपो रेट जो होता है वो छोटा होता है किससे, बैंक रेट से। यहाँ लिखा भी हुआ है लोअर सो दैट बैंक टेक शॉर्ट टर्म लोन लिक्विडिटी कैन बी कंट्रोल, यानी कि ताकि लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जा सके, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है चलो, उसके बाद और ये चीजें नहीं पढ़नी है, जो चीजें कुछ एक्स्ट्रा है वो नहीं पढ़नी, पढ़ते जाना ऐसे, बट काम की नहीं है। आगे एक चीज लिखी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, MSFR भी बोलते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। अब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट क्या होता है, देखो अभी हमने पढ़ा, अगर बैंक को 90 दिन के लिए ज्यादा टाइम के लिए लोन चाहिए तो उस लोन जो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा उसको बोलते हैं बैंक रेट। अगर बैंक को 90 दिन से कम यानी कि अप टू 89 डेज तक मिले तो उसको बोलते हैं रेपो रेट। अगर किसी बैंक को एक दिन के लिए लोन चाहिए उसको बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। क्या बोलते? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। द रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड्स ओवरनाइट लोन टू ऑल द कमर्शियल बैंक उसको बोलते मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट भी वेरी करता है हर एक दो महीने के बाद, तो ये भी जब आप कोई पेपर देंगे करंट में लिखियोगा कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट क्या है, तो यहां पे 6.75, 5.5 जो वैल्यू आएगी याद रखना। इट इज ऑलवेज हायर देन रेपो रेट, ये रेपो रेट से क्या होता है ज्यादा होता, क्योंकि एक रात के लिए लोन चाहिए तो ज्यादा अमाउंट जल्दी इसमें चाहिए होता है। ठीक है, और ये पहले नहीं हुआ करता था, ये 2011 के बाद इंट्रोड्यूस हुआ है, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है इसमें आरबीआई, यहां तक ठीक है। अब प्यारे बच्चे एक टर्म आती है एनडीटीएल, ये चीजें समझते चले जाओ, एंड पे हम इन सब का जिस्ट पढ़ेंगे कि हमें ये चीजें काम कहां पे आ रही हैं। एनडीटीएल क्या होता है, एनडीटीएल की फुल फॉर्म होती है नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी, नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी। तो पहले तो मैं लाइबिलिटी को जरा थोड़ी सारी रोशनी डालता हूं, डालीजिए लाइबिलिटी को रोशनी। देखिए इकोनॉमिक में दो टर्म्स होती हैं, एक टर्म होती जिसको बोलते एसेट और दूसरी टर्म होती जिसको बोलते लाइबिलिटी, एक होती एसेट एक होता लाइबिलिटी। एसेट वो चीज होती इकोनॉमिक्स में जिससे हमें फायदा हो, क्या हो फायदा। लाइबिलिटी वो चीज होती इकोनॉमी में जिससे हमें क्या हो नुकसान, यानी कि नुकसान। देखो आप एग्जांपल, आपके पास आपकी जमीन है, तो आपकी जमीन पे आप कुछ काम कर रहे हो, अनाज उगा रहे हो, बेच रहे हो, तो आपकी जमीन आपके लिए क्या है, एसेट है, फायदा आ रहा है। अब आपने गाड़ी खरीदी थी, वो गाड़ी खराब हो गई है, इसी तरह पड़ी हुई है, ना ठीक हो रही है ना कोई खरीद रहा है, मगर बैंक में आप उसकी किस्त भरे जा रहे भरे जा रहे भरे जा रहे हर महीने से महीने, तो वो गाड़ी आपके लिए लाइबिलिटी हो गई। क्या हो गई? लाइबिलिटी। ठीक है, एक बात ये। दूसरी, मैंने आपका देना है 100 रुपया, तो मैं आपके लिए हो गया लाइबिलिटी, आई एम सॉरी, मैं आपके लिए हो गया एसेट, लाइबिलिटी सॉरी। मैंने आपका देना है 100 रुपया, तो मैं आपके लिए हो गया एसेट। आप जब भी चाहो मुझे बोलो मास्टर जी पैसा निकालो, मास्टर जी पैसा निकालो, मास्टर जी क्या करते हो पैसा लेके भूल जाते हो का। अब मैं आपके लिए हो गया एसेट और आप मेरे लिए हो गए लाइबिलिटी। यार 100 रुपया देना पड़ेगा आपको, जब भी देखता हूं मुंह छुपा के भाग जाता हूं, क्या करूं, कौन दे 100 रुपया, एक तो लॉकडाउन है कौन से लाऊं 100 रुपया। तो लाइबिलिटी का मतलब होता है नुकसान देने वाली चीज, जहां से हमें नुकसान हो रहा हो, और एसेट का मतलब होता है फायदे वाली। आप देखो ये एनडीटीएल का मतलब क्या होता है, आप गए बैंक में और बैंक वाले को 1,000 रुपया हाथ में पकड़ा दिए, ऐसे ऐसे होता का, बैंक वाले के पास जाओ और उसको बोलो अंकल जी ये लो 1,000 रुपया मेरे खाते में डाल दियो, तो बोले चलो दे दो मुझे, जाओ छुट्टी करो। क्या सबूत है आपके पास कि आपने 1,000 रुपया जमा किया? तो एक तरीका होता है, आपके पास एक पासबुक है, आप गए पासबुक पे पैसा डाला, जमा कराया, काउंटर पे बंदे को दिया, उसने स्टैंप लगाई, आपके पास रिसिप्ट आ गई। तो आपने बैंक में 1,000 रुपया जमा किया, मैंने बैंक में 2,000 रुपया जमा किया, हमारे एस्पायर अड्डा की जो हमारा एस्पायर अड्डा है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने, इस कंपनी ने 2 करोड़ रुपया बैंक में जमा किया, तो 2 करोड़ रुपया ये, 2,000 रुपया मेरा, 1,000 रुपया आपका, ये 2 करोड़, 2,000 और 1,000 रुपया, यानी कि 2 करोड़ 3,000 रुपया एक दिन में बैंक के पास जमा हो गया। तो एक दिन में किसी भी बैंक के पास कितना पैसा जमा होता उसको बोलते नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी, एनडीटीएल। आप इसको एनडीटीएल क्यों बोलते, आपके जहन में सवाल आता होगा मास्टर जी हमने तो बैंक को पैसा दिया तो बैंक तो मजा करेगी, आप इसको लाइबिलिटी में काहे काउंट कर रहे हो?
हमने बैंक को पैसा दिया, बैंक इस पे और फायदा कमाएगी, बट हम जब भी चाहे बैंक के पास जाएंगे और बोलेंगे हमारा पैसा वापस दो, चलो मोड़ के दो हमारा पैसा, तो बैंक को मजबूरी पैसा देना पड़ेगा। तो हम बैंक के लिए, बैंक क्या हो गए फिर, हम उस वक्त बैंक के लिए, हम बैंक के लिए हो गए लाइबिलिटी। ठीक है, तो नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी का मतलब होता है नेट डिमांड, जब भी आप डिमांड करोगे आपको पैसा मिलेगा, इसी को बोलते हैं लाइबिलिटी है ये, नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी। अब मैं आपको यहां पे लिखा हुआ समझाता हूं, टोटल डिपॉजिट माइनस टोटल विड्रॉवल, यानी कि क्या होता, आपने 100 रुपया बैंक में जमा किया, पूरा दिन मान लो सिर्फ आपने 100 रुपया जमा किया, और पूरी बैंक में आपके अलावा किसी बंदे ने पैसा जमा किया ही नहीं, और एक और बंदा है उसने बैंक से 60 रुपए निकाल दिए, 100 रुपए आपने जमा किया था, किसी दूसरे बंदे ने निकाले, आपके खाते से नहीं निकाले भाई, अपने खाते से निकाले। समझ गया, एक बार फिर से सुन लो, हमारी जम्मू कश्मीर बैंक है, 1000 बंदों ने खाता खोला है इसमें, मगर मंडे के दिन एक बंदे ने 100 रुपया जमा किया, उसके अलावा बैंक में किसी भी बंदे ने कोई पैसा नहीं जमा किया, और मंडे के दिन एक कोई दूसरा बंदा आया, उसने अपने खाते से 60 रुपया निकाला, उस दिन बैंक के पास टोटल पैसा कितना आया, जितना आया 100, जितना गया माइनस पीछे बच गया 40, एक दिन का 40 रुपया बैंक के पास आया। तो इसको बोलते हैं नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी। व्हाट इज एनडीटीएल? इट इज टोटल डिपॉजिट माइनस टोटल विड्रॉवल, टोटल डिपॉजिट माइनस टोटल विड्रॉवल एट द एंड ऑफ द डे, दिस इज नोन एज एनडीटीएल। ठीक है, और एनडीटीएल इज कैलकुलेटेड फॉर ऑल द ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया टुगेदर ऑन एवरी अल्टरनेट फ्राइडे, हर फ्राइडे के दिन एनडीटीएल क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। इतनी बात पता चल गई आपको, यानी कि इट कैन बी ऑनली 2% ऑफ दी बैंक एनडीटीएल एंड ऑनली इन दी मल्टीपल ऑफ 1 करोड़। इसको रहने दो, यानी कि हाँ इसको रहने दो, अभी एनडीटीएल जो होता है आप सिर्फ इतना याद रखो कि एनडीटीएल क्या होता है, एनडीटीएल का मतलब होता एक दिन में बैंक के पास कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, उनका डिफरेंस, उसको बोलते हैं एनडीटीएल। ठीक है, चलो अब एनडीटीएल के बाद आगे छोटी सी डेफिनेशन है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। तो रिवर्स रेपो रेट पहले सुनिए, आपने अगर रिवर्स रेपो रेट पढ़ा है तो आपने पता क्या पढ़ा है कि भाई रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है जिसमें जब आरबीआई बैंकों से पैसा लोन, ना सॉरी, जब आरबीआई बैंकों से लोन लेती है तब वो बैंकों को पैसा वापस करती है, इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। ऐसा नहीं है, आरबीआई एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो बैंकों से कभी भी लोन नहीं लेती। आप सुनिए मेरी बात, राजौरी में जेके बैंक है, जम्मू में जेके बैंक है, पुंछ में जेके बैंक है, कठुआ में जेके बैंक है, अब इस जेके बैंक के पास इतना ज्यादा पैसा आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, मान लो 1 करोड़ रुपया आ गया, और कोई बंदा है ही नहीं जो लोन ले, अब ये बैंक सोचेगा मेरे पास पैसा आ गया, मैं करूं क्या, मैं ऐसा करता हूं आरबीआई को पैसा दे देता हूं, इसको देता हूं आरबीआई को। तो जिस तरह हम लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं और हमें आता इंटरेस्ट, हमें इंटरेस्ट मिलता, उसी तरह बैंक भी आरबीआई के पास पैसा जमा करते हैं और आरबीआई बैंकों को इंटरेस्ट देती है, बट बैंक पैसा जमा कब करते हैं, जब बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसा होता, तो ये फजूल पैसा है, बैंक देगा आरबीआई को, आरबीआई देगा इंटरेस्ट, मगर इस पैसे में आरबीआई इंटरेस्ट देगा कम, क्या देगा कम, आखिर कम क्यों देगा, आरबीआई बोलेगा अरे मुझे तो पैसे की लोड है नहीं, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पड़े हैं, आके देने दे दो, नहीं देने मत दो, हमें क्या जरूरत है, तो हम आपको इंटरेस्ट जरा कम ही देंगे। तो अब मैं डेफिनेशन पढ़ता हूं, व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट, व्हेन लिक्विडिटी इज हाई, यानी कि जब मनी इज हाई एंड कमर्शियल बैंक्स हैव हायर कैश रिजर्व, कमर्शियल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, सिंडिकेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, फलाना बैंक, डिमका बैंक, सारे बैंकों के पास पैसे ज्यादा हैं, दी बैंक डिपॉजिट्स दीज एक्सेस रिजर्व्स विद दी आरबीआई, बैंक ये एक्स्ट्रा अमाउंट किसके पास देगी, आरबीआई के पास, और दी रेट एट विच आरबीआई कीप्स दी एक्सेस रिजर्व ऑफ ऑल दी कमर्शियल बैंक विद इट, इट इज कॉल्ड रिजर्व, सॉरी रिवर्स रेपो रेट, इट इज ऑलवेज लेस देन रेपो रेट, रेपो रेट से क्या होता है, कम होता, और रेपो रेट से ज्यादा क्या होता है, बैंक रेट, बैंक रेट मैंने आपको बताया जब 90 दिन से ज्यादा, और रेपो रेट का मतलब होता है जब 90 दिन के लिए कम दिन कम पैसा लेती, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एक दिन के लिए लोन, रिवर्स रेपो रेट जब बैंक आरबीआई के पास एक्स्ट्रा अमाउंट सेव करते हैं, और करंट रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट कितना है ये भी वेरी करता हर 2 महीने के बाद, तो इसको भी मत लिखो, जब पेपर देने जाओगे तब लिख देना। अब ये इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 1996,
है ना, ये कभी पूछा नहीं है पेपर में, बट ऐसे बता रहा हूं। अब ये रिवर्स रेपो रेट आपको समझ आ गया, आप चलते आगे, एक चीज हो जिसको बोलते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। आप देखिए प्यारे बच्चों में एक बात, जितने भी बैंक हैं उन बैंक को कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई। कौन कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई। अब जरा मैं आपको एक बात बताता हूं, आप चले गए किसी बैंक के पास, बैंक का काउंटर पे बैठा हुआ बंदा आपको भाव ही नहीं डाल रहा, घास ही नहीं डाल रहा है, काम ही नहीं सुन रहा आपका, आप उसके काउंटर में जाके बोल दियो, सर ये बैंकिंग एम्ब्यूट्समेंट का कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए जरा, बस। तो आप बोले मास्टर बैठो बैठो बैठो, यहाँ पे चाय पिलाते पानी पिलाते, क्या चाहिए आप बताओ। तो रिसेंटली बैंकिंग, अच्छा आप किसी भी एटीएम के पास, एटीएम में जाओगे, कैनाल रोड में एटीएम है, तो वहां जैसे आप एटीएम में एंट्री करेंगे वहां सामने लिखा बैंकिंग एम्ब्यूट्समेंट कॉन्टैक्ट नंबर, यानी कि कोई भी शिकायत हो, कोई बैंक वाला काम नहीं कर रहा, कोई दिक्कत आ रही तो इस नंबर पर कॉल कीजिए। एम्ब्यूट्समेंट का मतलब होता है पापा, यानी कि कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं ये बता रहा था कि जितने भी बैंक है इनको कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई। तो आरबीआई को क्या चट्टी पड़ी है फालतू में बैंकों को कंट्रोल करे, फालतू में बैंकों को पैसा दे। अब आरबीआई ने बोला भाई मैं आपको कंट्रोल करूंगा, आपकी सारी डिमांड, सारी ख्वाहिशें, जायज ख्वाहिशें पूरी करूंगा, आपको कुछ मुझे देना होगा पैसा। क्या देना होगा? पैसा। अब पहले, आज से 10-20 साल पहले, बैंकों को लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया ऐसे फिक्स अमाउंट देना पड़ता था। फिर जब फिक्स अमाउंट देना दिक्कत हो गया तो आरबीआई ने बोला चलो अपनी टोटल इनकम का या तो 3% या 4 या 5 या 10 या 15%, जितना भी चाहो, मिनिमम 3 मैक्सिमम 15% अपनी इनकम का मुझे दे दो, तो मैं आपको कंट्रोल करूंगा, आपकी रक्षा करूंगा। अब उसके बाद रिसेंटली आरबीआई ने एक नॉर्म्स बना दिए कि जितने भी बैंक्स हैं वो अपने टोटल एनडीटीएल का, अपने टोटल इनकम का क्या करेगा, 4% हिस्सा आरबीआई को देगा। 4% हिस्सा किसको देगा? आरबीआई को। और इस 4% को बोलते कैश रिजर्व रेशो, सीआरआर, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि मास्टर जी ये बात तो हमारे पल्ले पड़ गई कि बैंकों का जो भी एनडीटीएल होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी पैसा आएगा, बैंक अपना 4% आरबीआई को देगा, बट इसके बदले में आरबीआई क्या बैंकों को इंटरेस्ट देगा? अरे इंटरेस्ट तो दूर, आरबीआई ये पैसा भी मोड़ के बैंक को नहीं देगा। क्यों दे? आरबीआई ना बैंक को इंटरेस्ट देगा ना ये पैसा देगा, फिर इसके बदले में क्या देगा? सुनो बात, जब कभी कोई बैंक डूब रहा होता है तो डूबते को तिनके का सहारा होता, उस वक्त वो बैंक डूबता 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 जाता आरबीआई के पास, बोलता आरबीआई आरबीआई याद करो वो दिन, याद करो वो जुम्मे की रात जब मैंने आपको हर दिन 4% दिए 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 दिए, अब मैं बड़ी मुश्किल हालत में हूं, मैं डूब रहा हूं, मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए। तो आरबीआई आएगा, बोलो कहां हेल्प चाहिए। अच्छा एक बात, आरबीआई का लोगो देखेंगे आप, अगर आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लोगो, उसके पीछे बना होता है कोकोनट का ट्री और आगे बना होता है वो लाइन, वो क्या बोलते हैं उसको, टाइगर सा कुछ लियोपार्ड बना होता है, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि कोकोनट ट्रीज वहां पे जनरली होते हैं डिजर्ट एरिया में, जहां पे कुछ भी नहीं होता, डिजर्ट एरिया में होते हैं कोकोनट ट्रीज, तो और जहां पे कोकोनट ट्री होते हैं वहां पे और कोई भी पेड़ नहीं उगता है, ये बात भी आपको याद रखनी, तभी वहां पे बीमारियां भी फैलती हैं। जब भी कोई बीमारी होती है केरला से शुरू होती है, कर्नाटक से शुरू होती है, कोकोनट ट्रीज के पास ज्यादा बीमारियां शुरू होती हैं। आरबीआई के लोगों के पीछे एक तो कोकोनट का ट्री बना होता और आगे वो लियोपार्ड बना होता, इसका मतलब जहां जहां पे कुछ भी नहीं होता, जहां जहां इनकम नहीं होती, वहां पे आरबीआई आता दौड़ता हुआ, शेर की तरह, टाइगर की तरह आता, लोगों की मदद करता, बैंकों की मदद करता, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट की मदद करता। और जब यहाँ पे बैंक डूब रहा होता, बैंक जाता आरबीआई के पास और आरबीआई बोलता बोल क्या चाहिए मेरे बच्चे, क्या चाहिए, और बैंक बोलता सरकार 1 करोड़ रुपया चाहिए, तो आरबीआई बोलता ले 1 करोड़ रुपया, जाओ अपनी बैंक को एस्टेब्लिश करो, मगर बाद में पैसा मोड़ दियो मुझे, ठीक है। यानी कि इन नटशेल आरबीआई पैसा वापस लेता ही लेता है। चलो अब हम बात करते 2006 की नरसिम्हन कमेटी बनी, नरसिम्हन कमेटी ऑन फाइनेंस सिस्टम रिकमेंडेड टू लिफ्ट द लिमिट ऑन सीआरआर, यानी कि पहले ही सीआरआर पर इतनी लिमिट होती थी, नरसिम्हन कमेटी ने लिमिट को खत्म कर दी और बोला एक की बार क्या कर दो, 4% डन कर दो, ठीक है। और एक बात, ये लिमिट यानी कि ये जो सीआरआर होता है ये इन द फॉर्म ऑफ कैश ही होता है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड या गवर्नमेंट बॉन्ड या शेयर या डिबेंचर, ऐसा कुछ नहीं। पेपर में यही चीजें आती, कैश रिजर्व रेशियो एट प्रेजेंट कितना है, कैश रिजर्व रेशियो होता क्या है, कैश रिजर्व रेशियो की कितनी परसेंट जाती है आरबीआई के पास, क्या कैश रिजर्व रेशियो पे इंटरेस्ट देता आरबीआई, नहीं देता, क्या कैश रिजर्व रेशियो इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड रख सकते, तो नहीं रख सकते, सिर्फ इन द फॉर्म ऑफ कैश रख सकते, और कोई भी इंटरेस्ट आरबीआई सीआरआर पे नहीं देता है,
कैश इंटरेस्ट तो दूर, आरबीआई पैसा भी वापस नहीं करता। ठीक है, अब आप कोई आपके जहन में एक सवाल आता होगा, मास्टर जी बात तो हमारे पल्ले पड़ गई, बट जरा आप मुझे ये बताओ कि आप बैंक रोजाना एक पैसा जमा करते हो और देते हैं किसको, आरबीआई को, तो ऐसा हरगिज नहीं है। मान लो ये मंडे का दिन है, बैंक के पास पैसा आया, बैंक ने जमा किया, कुछ अपने लिए सेव कर दिया और 4% निकाला किसके लिए, आरबीआई के लिए, ट्यूसडे को, वेंसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को, सैटरडे को, और हर 14 दिन के बाद, हर 14 दिन के बाद बैंक ये सीआरआर देगा किसको, आरबीआई को, यानी कि हर अल्टरनेट फ्राइडे के दिन, हर अगले जुम्मे के दिन, जुम्मे की रात है, तुमने वादा किया था ना अमिताभ बच्चन का गाना, चलो तो हर जुम्मे के दिन क्या करती बैंक, आरबीआई को पैसा देती जमा करके, इस पैसे को बोलते सीआरआर, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। अब ये चीजें आप किस पल्ले पड़ गई, कैश रिजर्व रेशियो का होता, ये खाली सुनना सुन के मजा नहीं करना, अभी इस पे न्यूमेरिकल करेंगे हम। न्यूमेरिकल का मतलब कि हम देखेंगे इन्फ्लेशन के टाइम सीआरआर कम करना पड़ता, ज्यादा करना पड़ता, क्या करना पड़ता। सीआरआर के बाद देखिए एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये को बच्चा पूछ रहा था 2 दिन पहले। SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, जरा सुनिए मेरी बात। ये है बैंक, बैंक के पास आ गया 100 रुपया, 100 रुपए में से आधे इसे लेने से ले लिए, 4% बैंक ने दिया आरबीआई को। अब बाकी पैसा बैंक ने क्या किया, लोन दे दिया, बाकी पैसा बैंक ने मान लो 100 रुपया था, 4 रुपए दे दिया आरबीआई को, 96 रुपए बैंक ने दे दिए जनाब हमारे एस्पायर अड्डा को, लोन दे दिया। अब बैंक के पास क्या बचा, कुछ नहीं। अब आप में से कोई बच्चा चला गया बैंक के पास और बोलता बैंक बैंक मुझे चाहिए लोन 10 रुपए, अब बैंक बोलेगा हमारे पास तो पैसा है नहीं, जो था दे दिया स्पायर अड्डा को, 4% दे दिया बैंक को, अब हम कहां जाएं, हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं, कहां जाएं, किसकी मां को मासी बोले। तो आरबीआई जो बैंकों को कंट्रोल करती, आरबीआई को बोलती अरे बैंक ई कारो टंकी चल रही, आप अपने हर दिन का कुछ अमाउंट 4% मुझे दो, उसके अलावा कुछ परसेंट अपने पास सेव रखो, ये सेव अमाउंट किसी भी इंसान को मत दियोगा, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को मत दियोगा, और ये बाकी परसेंट चाहे आप इन दी फॉर्म ऑफ कैश रखो, चाहे इन दी फॉर्म ऑफ गोल्ड रखो, चाहे इन दी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड रखो, यानी कि शेयर या डिबेंचर, इस अमाउंट को बोलते स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR, का बोलते SLR, यानी कि बैंक अपने टोटल एनडीएल का जो अमाउंट आरबीआई को देती है उसको बोलते सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, और बैंक अपने उस इनकम का कुछ हिस्सा अपने पास रखती है फ्यूचर यूज के लिए, उसको बोलते एसएलआर। अब मैं पढ़ के सुनाता, ऑल द कमर्शियल बैंक हैव टू मेंटेन अ मिनिमम परसेंटेज फिक्स्ड ऑफ टोटल डिपॉजिट एनडीटीएल विद इटसेल्फ, अपने पास रखती, विच इज कॉल्ड एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब एट प्रेजेंट ये 19.5 है, बट ये वेरी होता है, इसलिए इसको लिखना करंट एसएलआर। तो जब आप पेपर देने जाओगे तो एक बात और, आरबीआई की वेबसाइट खोलिएगा, आरबीआई की वेबसाइट में सब लिखा होता, क्या लिखा होता, बैंक रेट कितना, रेपो रेट कितना, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट कितना, रिवर्स रेपो रेट कितना, कैश रिजर्व रेशियो कितना है एट प्रेजेंट, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एट प्रेजेंट कितना चल रहा, ओपन मार्केट ऑपरेशन कितना है, ये सब बातें। ठीक है, ये हम पढ़ रहे बैंक की क्वालिटेटिव, सॉरी क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। अब एक जरा यहाँ पे ऊपर मैंने लिखा था जो होता है SLR, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश या इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट। अब आप बोल रहे हो मास्टर जी कैश तो हमें पता है, ये लिक्विड एसेट का होता, तो लिक्विड एसेट का होता ये हम बताते हैं अभी आपको। मान लो आपके पास है, क्या है आपके पास, आपके पास है टमाटर, ठीक है, टोमेटो है आपके पास, और मेरे पास है आलू, मैं आपको बोलूंगा भाई मुझे टमाटर दे दो, मेरे से आलू ले लो, तो आप वो बोलोगे भाई मैं आलू को लेकर क्या करूं, खाली आलू की सब्जी बनती का टमाटर के बिना, तो आप अगर मुझे टमाटर दोगे तो मैं टमाटर को क्या करूं, सर में मारूंगा, खाली टमाटर को क्या करना है, कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जो फौरन बिक जाए। अब अगर मैं आपको दूं 50 रुपया, मैं आपको बोलूंगी टमाटर मुझे दे दो, अब अरे ले लो ना 50 रुपए का मैं कुछ भी ले सकता हूं। उसी तरीके से जो पैसे होते हैं उनको बोलते कैश, मगर 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 गोल्ड को बोलते लिक्विड एसेट, क्योंकि गोल्ड कभी भी किसी भी कीमत पर बिक सकता है, गोल्ड को बोलते लिक्विड एसेट, और गवर्नमेंट बॉन्ड शेयर एंड डिबेंचर को भी बोलते लिक्विड एसेट। बट ये लिक्विड एसेट क्या होता, शेयर क्या होता, डिबेंचर क्या होता, जब मैं आपको फाइनेंशियल मार्केट पढ़ाऊंगा, मनी मार्केट पढ़ेंगे हम, तब हम बेहतरीन अंदाज में पढ़ेंगे क्या होता। अभी तक इसको आप क्या करो, पेंडिंग रखो, और इतना याद रखो लिक्विड एसेट का मतलब होता जो जल्दी कन्वर्ट हो जाता है।
अब इसमें पहले लिमिट हुआ करती थी 15 से 40%, और अब इसमें कोई लिमिट वगैरह नहीं है, ठीक है ना, ये रिमूव कर दिया नरसिम्हन कमेटी ने, इसमें भी लिमिट रिमूव कर दिया, ठीक है। अब एक बात यहां पे ओपनली मैं आपको कह रहा हूं, जरूरी है, कैश रिजर्व रेशियो जो बैंक देता आरबीआई को, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो बैंक रखता अपने पास, ये दोनों के दोनों मैंडेटरी हैं। अगर कोई बैंक ये नहीं करेगा तो बैंक उसको क्या कर देगा, उसका रफू चक्कर कर देगा, यानी कि उसका लाइसेंस कैंसिल कर देगा, ठीक है यहां तक। अब एक आखिरी चीज बची, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड। अब गवर्नमेंट बॉन्ड क्या होता, गवर्नमेंट बॉन्ड भी हम फाइनेंशियल मार्केट में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। गवर्नमेंट बॉन्ड के बारे में भी इतना सिर्फ याद रख दो, जब चीजों में हिस्सा लिया जाता है, शेयर लिए जाते हैं, डिबेंचर लिए जाते हैं, कोई कंपनी अपनी, आपने सुना होगा फेसबुक में, फेसबुक ने रिलायंस जियो में 4% के शेयर खरीदे, सुना होगा ना। अब हम ये पढ़ेंगे मार्केट में कि क्या क्या चीजें होती है, क्या फाइनेंशियल मार्केट में पढ़ेंगे आप। तो ये अभी तक की सारी बातें हमने पढ़ी थी, आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। अब हम पढ़ते क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, दूसरी तरफ लिखा था ना हमने यहां पर क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है यानी कि जो चीज क्वालिटी में होती है, क्या क्या होती है इसमें, क्या क्या पढ़ना है सुनो, मार्जिनल रिक्वायरमेंट। अब मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या होता है, जरा मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का लेक्चर आपको बोरिंग लग रहा है, बट इसको मैनेज कर दो, आज थोड़ा है इतना। देखो मार्जिनल रिक्वायरमेंट होता क्या है, अगर आपने कभी लोन लिया हो, मान लो आपने 1,00,000 रुपए का लोन लिया, तो आपको बैंक के पास कुछ रखना पड़ता है, गिरवी रखना पड़ता है, गारंटी रखनी पड़ती है, और वो चीज 1,00,000 रुपए से ज्यादा होनी चाहिए। मान लो आपने 1,00,000 रुपया लिया बैंक से, और आपने अपने घर के डॉक्यूमेंट कागजात वगैरह बैंक को दिए, और आपके घर की कीमत होनी चाहिए 1,00,000 रुपए से ऊपर। मान लो आपके घर की कीमत है 1,50,000, आपके घर की कीमत है 1,50,000 और आपने बैंक से लिया 1,00,000, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 5.5 लाख, यानी कि 50,000 जितना भी है, ठीक है ना। अब ये जो है इसको बोलते हैं मार्जिनल रिक्वायरमेंट। अगर समझ नहीं आया तो फिर से सुन लो, आपने बैंक से लिया 1,00,000 और आपने बैंक के पास कुछ सिक्योरिटी रखी, घर रखे, गहने रखे, कागजात रखे 1,20,000 रुपए के, तो आपको चाहिए था 1,00,000, आपने रखा गिरवी 1,20,000, तो डिफरेंस कितना आ गया 20,000। ये जो 20,000 डिफरेंस है इसको बोलते मार्जिनल रिक्वायरमेंट, क्या बोलते इसको, मार्जिनल रिक्वायरमेंट। अब मार्जिनल रिक्वायरमेंट में एक बार आपको जरा पढ़ के सुनाता हूं, सुनिए, इट इज डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी मतलब क्या सिक्योरिटी रखी हमने, 1,20,000 या 1,50,000, ये वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, ऑफर्ड बाई बैंक्स एंड लोन अमाउंट ग्रांटेड बाई आरबीआई। आरबीआई ने कितना लोन दिया और हमें, हमने उसके पास सिक्योरिटी कितनी रखी, उसको बोलते हैं मार्जिनल रिक्वायरमेंट। यानी देखो एग्जाम्पल लिखी हुई है, हमने 30 करोड़ रुपया, 30 करोड़ की प्रॉपर्टी के कागजात दिए बैंक को, और बैंक से हमने लिए 28 करोड़ रुपया, तो जो हमारे पास मार्जिनल रिक्वायरमेंट आ गई वो कितनी है, 2 करोड़। तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए लोन लेने की, ठीक है यहां तक। आप प्यारे बच्चों आज इतना ही रखते हैं, नहीं तो लेक्चर ज्यादा लंबा हो जाएगा, आपको तो ये लिखना नहीं है, खाली हाईलाइट ही करना है अपनी नोट से। कल वाला लेक्चर जरा एनर्जेटिक भी होगा और कल हम इसको समराइज करेंगे, और फिर इन्फ्लेशन टॉपिक हमारा कल अगले लेक्चर में होगा कंप्लीट, और फिर हम इन्फ्लेशन के आपको देंगे एमसीक्यू। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।